महाराष्ट्र के देवदास ने एक पुस्तक लिखी है एट द ब्यूटीफुल ट्री, शिक्षण का रणियामड़ा वृक्ष। उसमें हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, वो समाज चलाता था, वो राजशासन राजशासन नहीं चलाती थी, भाषा जो शिक्षण समाज देता था उसमें कलेक्टर के रिपोर्ट है, वो संस्कृत भाषा में ही पढ़ाई जाती थी। लेकिन मैकोलो जब आया तब उसने हमारी उसने जाना कि भारत को हम कैसे परास्त कर सकते हैं, कैसे हम गुलाम कर सकते हैं, तो उसको लगा कि मैं शिक्षण, उसकी जो शिक्षण प्रणाली है उसको तोड़ दूंगा तो ही भारत सचमुच परास्त परतंत्र हो जाएगा। हाँ, बहुत से हमारी जो शिक्षण प्रथा है वो विचलित हुई और अंग्रेजों की दृष्टि से हम उसको अपना सके, इंग्लिश को ही प्राधान्य राजशासन देने लगा। बाद में जब आपका जो प्रश्न है वो ही कीजिए, भाषण मत करिए, ये सब भाषण करने वाले, आपका जो आएगा तब आप कर सकते हैं। ओके, तब से ही संस्कृत का महत्व घटा और संस्कृत ऐसे ही पढ़ाई जा सकती है। थैंक यू।